तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंदिर रथ आग दुर्घटना की जांच के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख सचिव कुमार जयंत की अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने तंजावुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रही घायलों से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संभावित कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित के घर का दौरा किया। उन्होंने सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक और द्रमुक की ओर से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। उन्होंने प्रत्येक गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 25,000 रुपये का चेक भी सौंपा। अन्ना द्रमुक ने 11 पीड़ितों के परिवारों को 1-1 लाख रुपये और 15 घायलों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की थी। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।